हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल धनश्री क्लासेस। बच्चों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है साइंस, क्लास फिफ्थ का, और इसका जो चैप्टर नंबर 5 है, डिशेस एंड प्रिजर्वेशन। इस चैप्टर के ऊपर के जो क्वेश्चन आंसर्स है, मतलब उसकी जो एक्सरसाइज है, वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन का है, मतलब जो सही आंसर है उस पर हमें यहाँ पर टिक करना है। ठीक है, देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिशेज इज कॉज बाय द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। इसका आंसर आता है रिकेट्स। थर्ड, सेकेंड है, देखिए, दो विच मोड ऑफ ट्रांसमिशन डज पेनोमिनिया स्प्रेड। हमारा ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर 2, थ्रू ईयर। तो उस पर हम यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद थर्ड है, सनलाइट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ। हमारा आंसर है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद फोर नंबर का है, टू प्रिवेंट एनीमिया द डाइट शुड बी रिच इन आयरन। इसके बाद फाइव नंबर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिसीज। आंसर है मलेरिया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स का। इसमें फर्स्ट है, डाइडेश इज कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। तो उसका आंसर है बेरी बेरी। सेकंड है, डाइडेश आर स्मॉल एजेंट्स दैट कैन ग्रो ओनली इनसाइड द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आंसर है वायरस। थर्ड है, डाइडेश आर बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस कंटेनिंग वीक और डेड जर्म्स दैट हेल्प इन एक्वायरिंग इम्यूनिटी। आंसर है वैक्सीन। और फोर है, डिशेस दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड डाइडेश डिसेस, कम्युनिकेबल डिसेस। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स का। इसमें फर्स्ट है, विटामिन सी इज फाउंड इन फिशेज, फॉल्स। स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, ट्रू। स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ टिसेट्स फ्लाई, ट्रू। फोर नंबर है, लैक ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स इन अवर बॉडी कैन कॉज डिसेज, ट्रू। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर टू स्टेटमेंट दिए हैं और जो सही आंसर है उस पर हमें टिक करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, मॉस्किटोज आर डिसेस वेक्टर्स, और स्टेटमेंट 2 है, मॉस्किटो स्प्रेड कॉलरा। तो हमारा सही आंसर आता है स्टेटमेंट बी ऑप्शन है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इम्यूनिटी। और उसके जो आंसर है, देखिए इसका आंसर है द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट इन्फेक्शंस। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर डिसेस वेक्टर्स, गिव टू एग्जाम्पल्स। आंसर है द एनिमल्स कैरी द जर्म्स फॉर सिक पर्सन टू अनदर होस्ट। दीज एनिमल्स आर इंटरमीडियस एंड आर कॉल्ड डिसेस वेक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटोज, टेस्ट फ्लाई। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई शुड यू बॉइल वाटर फॉर 10 मिनट्स बिफोर ड्रिंकिंग। आंसर है वी शुड बॉइल आवर वाटर फॉर 10 मिनट्स बिफोर ड्रिंकिंग बिकॉज इट किल्स द जर्म। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फोर नंबर का, नेम द माइक्रोब्स विच कॉज कम्युनिकेबल डिसेस। आंसर है द माइक्रोब्स आर बैक्टीरिया, फंगी, वायरस और प्रोटोजा। फाइव नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। आंसर है स्पेशल सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड दैट आर नीडेड बाय द बॉडी टू रिमेन हेल्दी इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिसेस, एक्सप्लेन द टू टाइप्स ऑफ डिसेस अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल्स। और उसका आंसर है, देखिए, डिसेस इज अ कंडीशन द प्रेजेंट प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। सेकेंड, देखिए,
कम्युनिकेबल डिसेज है, इसमें डिसेज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसेज। एग्जाम्पल देखिए चिकन पॉक्स, और दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल डिसेज। डिसेज दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिसेज। एग्जाम्पल ओबेसिटी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हाउ इज द एनेमिया कॉज, हाउ डज इट आफ्टर आवर बॉडी, सॉरी हाउ इज एनेमिया कॉज, हाउ डज इट्स इफेक्ट आवर बॉडी, व्हाट आर द सिम्टम्स एंड हाउ कैन इट बी कर्व्ड। आंसर है एनीमिया इज कॉज बाय द डिफिशिएंसी ऑफ आयरन, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनीमिया लुक्स पेल एंड टायर्ड, हैज कलर लिप्स एंड पेल दैट नेल्स। इन एनीमिया द हीमोग्लोबिन लेवल इन द ब्लड डिक्रीसेस, सो द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड रिड्यूस। दिस डिसेज कैन बी कर्व्ड बाय टेकिंग फूड रिच इन आयरन सच एज एप्पल्स, स्पिनच, बनाना, पल्सेस, एग योक, लिवर्स, ब्रिंजल्स, जैगरी एंड गवाच। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हाउ डू डिसेज स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, नेम फ्यू डिसेज वी स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, हाउ कैन वी प्रिवेंट सर्च इन इन्फेक्शंस। आंसर है डिसेज लाइक कॉलरा एंड टाइफाइड स्प्रेड बाय इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर कैरिंग जर्म्स, दिस डिसेज मोस्टली इफेक्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम, फाइल्स, कॉकरोचेस, rats and other similar small animals carry germs from garbage and sewers and deposit them on uncovered food and water, handling food with dirty hands and lack of proper sanitization are the main causes of communicated food and water. Consuming milk and meat of diseased animals can cause infection. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फोर वेज ऑफ कंट्रोलिंग कम्युनिकेबल डिसेज, फोर वेज लिखने हैं। आंसर है देखिए फर्स्ट है उसमें किचन्स, टॉयलेट्स एंड बाथरूम शुड बी क्लीन रेगुलरली, सेकंड है बेडिंग एंड क्लोथिंग शुड बी ड्राइड इन द सन फ्रॉम टाइम टू टाइम, थर्ड है वी मस्ट यूज क्लीन फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग, एंड फोर है द पेशेंट रूम शुड बी क्लीन एंड जर्म फ्री। इसके बाद फाइव नंबर का क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस मेथड्स फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, आंसर है वाटर फिल्टर्स कैन बी यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाय क्लोरिनाइजेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर चैप्टर नंबर फाइव जो है उसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो यहाँ पर देखे हैं। आई होप ये जो वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगेगा, ये वीडियो समझ में आए, पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।